थाना सिटी डस्का का इलाका जरायम का गढ़ बन गया। सरेआम मंशियात फरोशी का धंधा रोज पकड़ने लगा। नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर शहर के गुंजान आबाद इलाकों में मंशियात के सरेआम अड्डे हीरवान चरसा फ्यून और शराब फरोख करने लगे। मंशियात फरोशी का धंधा पुलिस की मुबैना मिली भगत से हो रहा है। नशेई अड्डों से मंशियात खरीदने के बाद सरेआम बैठ कर नशा करते नजर आते हैं, जिसे अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। नशा खरीद करने वालों में मर्द, नौजवान, बूढ़ों जबकि बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। शहरियों ने रोज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर गली में, हर मोहल्ले में नई नस्ल को तबाह करने में उनका भरपूर किरदार है। इस वक्त पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई है, बल्कि वो मंथली का जो सिस्टम पहले चलता था, वो जब से बाजवा साहब और ये डीएसपी साहब आए हैं तब से तो वो बिल्कुल जुबान ज़दे आम पे है। सर, जो सिटी डस्का रियाज बाजवा जो कि बिल्कुल नाकाम है इस मंशियात फरोशी को रोकने में, और हमें बड़ा अफसोस है कि ये जो हालात इस वक्त चाह रहे हैं ये आने वाली मौशत को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। और इसके ऊपर चाहिए आईजी पंजाब को कि ये इसके ऊपर एक्शन ले, डीपीओ सियालकोट इसके ऊपर एक्शन ले। शहर भर में मंशियात फरोशी के साथ साथ दूसरे जराय में भी इजाफा बढ़ रहा है, जो कि कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान है। राणा मोहम्मद अफजल, रोज न्यूज़, डस्का।